नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाती हूँ कटहल के कबाब। कटहल को काट के मैंने कुकर में अच्छी तरीके से उबाल लिया है। आप देखिए बहुत ही अच्छे से मैश हो चुका है। कटहल बहुत ही अच्छा था, मुलायम था, इसलिए इसमें कोई बीज भी नहीं है जो कि हमें गले में फंसेंगे। और जो छोटे बीज हैं वो भी मैश हो रहे हैं, उनमें भी कोई ऐसा छिलका कड़ा नहीं है जो हमें पसंद ना आए, गले में हो। फिर भी अगर हम चाहें तो इन बीजों को निकाल लेंगे। अब इस उबले हुए कटहल को मैश कर लेंगे। मैश करने के लिए आप चाहें मैशर का प्रयोग करें या कांटे से कर लें, या फिर मिक्सी के बड़े जार में डाल के भी एक चर्न कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छे से मैश हो जाता है। तो आइए हम कबाब बनाने की तैयारी करते हैं, और साथ ही साथ मैं जो मसाले डालूंगी वो आपको बताती जाऊंगी। तो मैश करते हैं। पहले मैं दिखाऊंगी किसमें अभी इसमें कोई अगर आपको बीज नहीं अच्छे लग रहे हैं आप उनको फटाफट निकाल लीजिए। हालांकि बीज बहुत ही मुलायम हैं जो खाने में नुकसान नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये कटहल जो उबला हुआ था बहुत ही अच्छे से मैश हो गया है। अगर आपका कटहल मान लीजिए कि आपने थोड़ा जल्दी उबाल के रख दिया है और ठंडा हो गया है तो इसे मैश करने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो आप इसे मिक्सी में अच्छे से चर्न करके पीस सकते हैं, चर्न कर सकते हैं आई मीन। और अगर गरम है कटहल के पीसेस तो जैसे मैं मैश कर रही हूँ ऐसे मैश करिएगा। देखिए कितना अच्छा फाइन मैश हो रहा है। मैंने इसमें ये मेरा कटहल जो है बहुत ही मुलायम छोटा सा था तो इसलिए इसमें कम रेशे नजर आ रहे हैं। बड़े कटहल में बड़े बड़े बीज होते हैं, बहुत सारे रेशे होते हैं, तो बेहतर है कि आप बहुत बड़ा कटहल ना पसंद करके छोटा ही कटहल। मैं इसमें मिला रही हूँ भुना हुआ बेसन। आप जैसा कि मैंने दही के कबाब बनाते समय भी बताया था आपको, आपने दही का कबाब बनाने की विधि देखी थी, सब्सक्राइब किया था तो आपको जरूर पता लगा होगा कि मैंने उसमें भुना हुआ बेसन ही मिलाया है। आप चने को भी, भुने हुए चनों को भी पीस के मिला सकते हैं, और इसके अलावा इसमें आप उबले हुए आलू भी मिला सकते हैं जिसे हम कद्दूकस करके करेंगे। लेकिन जब हम कटहल के कबाब बना रहे हैं तो हम कटहल की ओरिजिनलिटी को क्यों कम करें, उसका अपना एक अपना इम्पोर्टेंस है। तो आइए हम इसमें भुना हुआ बेसन मिलाते हैं। मैं अभी 2 टेबल स्पून बेसन मिला रही हूँ। भुना हुआ बेसन हमेशा इसकी जो नमी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यदि मुझे नीट करते समय लगेगा कि इसमें अभी नमी है तो मैं और मिलाऊंगी, तब आप साथ साथ देखते जाएंगे। अब इसमें मिलाती हूँ कटी हुई अदरक, कटी हुई हरी मिर्चा, धनिया और 2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर लिया, 1/4 लाल पिसी मिर्चा, जीरा 1/2 टीस्पून, और मैं थोड़ा सा गरम मसाला मिला रही हूँ जो कि 1/2 टीस्पून है। आइए अब इन सबको एक साथ मिलाते हैं। हाँ, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार मिलाएंगे। तो लगभग ये मेरा 1/2 किलो कटहल है और मैं सोचती हूँ मेरे स्वाद, जो मेरी फैमिली को पसंद है नमक का स्वाद, वो इसमें 1 टीस्पून और थोड़ा सा ज्यादा। आप अपना नमक का अंदाजा अपनी फैमिली की पसंद के अनुसार, ज्यादा नमक खाते हैं या कम, उस तरीके से कर लेंगे। अब इन चीजों को हम अच्छे से
मिला लेंगे। हाथ से ही मैश करें तो ज्यादा अच्छे से मिलेगा। आइए मिलाते हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें एक टेबल स्पून बेसन की जरूरत और लगेगी। इसे मिला रही हूं और आप अपनी हथेलियों के इस साइड से इसको अच्छे से मिलाते हुए मैश करोगे। मैश तो हम कर ही चुके हैं, मिलाएंगे और इस तरीके से थोड़ी देर तक ऐसे मिलाते रहेंगे ताकि इसका सेटअप अच्छा हो जाए। मेरा ये डो बहुत ही अच्छी तरीके से बन गया है। मैंने एक इस डो को दो भागों में बांट लिया था। एक भाग को मैं दिखा रही हूँ, सिलेंडर का रूप दे दिया और मैं बराबर बराबर ऐसे कट लगा देती हूँ तो कबाब बनाने के लिए बराबर एक जैसे साइज के कबाब निकलते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा हाथ में ग्रीस लेके इसको गोले का रूप देंगे और देखिए ऐसे मैंने उठाया, इसको ऐसे दबाया, गोला भी नहीं बनाना है तो ऑलरेडी ये अपने आप से ही बहुत सुंदर बन जाता है। एक उठाया, दबा दिया इसको, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, आप देख रहे होंगे एक जैसा साइज निकलता है। चलिए ऐसे ही मैं सारे बना ले रही हूं। मेरे इस मटेरियल से, यानी कि जो मैंने कटहल का मिक्सचर तैयार किया था, उससे ये 12 कबाब तैयार हुए हैं। यदि आप 2 कबाब खाएंगे तो ये 6 लोगों के लिए, और अगर आपको पसंद आया तो एक एक कबाब और खाएंगे तो 4 लोगों के लिए, और अगर मान लीजिए 4 खाने के लिए हो गया तो 3 ही लोग खा पाएंगे। तो चलिए अब इन कबाबों को मैं फ्राई करती हूँ। मैंने तवे पर लगभग 2 टेबल स्पून सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। सरसों के तेल में ही ये चीजें बहुत स्वादिष्ट बनती हैं। वैसे आपकी मर्जी, आप रिफाइंड खाइए या फिर देसी घी का प्रयोग कीजिए। मैं गरम हो गया है, मैं एक एक करके कबाब को सेटल कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक साथ ही इन कबाब्स को एक साथ बना सकूंगी क्योंकि इसमें डीप फ्राई की जरूरत नहीं है कि मुझे लगे कि ये तेल में टूट के बिखर जाएंगे। इन कबाब्स को हम बार बार नहीं पलटेंगे, बार बार पलटने से इनके टूटने का डर रहता है। मैंने देखा कि ये कबाब सुनहले होने लगे हैं और धीमी आंच पे सिक भी रहे हैं। अब मैं इनको सावधानी से पलट दूंगी। ये दोनों तरफ से सिक चुके हैं और देखिए ये हल्के गुलाबी और सुनहरे रंग के हो गए हैं। इन्हें हम धीमी आंच में ही सेकेंगे जिससे कि ये अंदर तक सिक जाए। हालांकि हमारा कटहल उबला हुआ है लेकिन जो तेल में फ्राई होके अच्छे से सिक के चीज बनती है वो बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार होती है। तो मुझे लगता है 2 मिनट और, हालांकि ये पूरा कबाब बनने में मेरे 5 मिनट तो लगभग लगे होंगे। तो अब मैं इसे गैस आंच को बंद करती हूँ और लीजिए मेरे कबाब सर्व करने के लिए तैयार हैं। मैंने ये कबाब तैयार कर लिए हैं जो बहुत ही कम तेल में, यानी कि हार्डली 2 टेबल स्पून इसमें तेल लगा है जिसमें मैंने इसको सिकाई किया है, जो कि ज्यादा तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। हाँ, कोई भी चीज यदि आप धैर्य से धीमी आंच पे बनाएंगे तो वह बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मेरे ये कबाब तैयार हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसे किस प्रकार से मेंबर्स में बांट लीजिएगा और खाने के बाद मुझे बताइएगा कि ये कबाब आपको कैसे लगे हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप यूट्यूब चैनल मृदुला मेहरा पे इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।